डिय स्टूडेंट्स इन दिस मोड्यल वी आर गोइंग टू डिस्कस रिलीजन एज एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन एज ए ह्यूमन बींग किसी भी माशरे के अंदर मज़हब का किरदार बहुत अहम होता है आज की दुनिया में बहुत से माशरे हैं जो शायद आ, टिपिकली उस तरह से मजहबी अकायद नहीं रखते हैं लेकिन इसका ये मतलब हरग़ नहीं है कि वो किसी न किसी लाइफ आइडियोलॉजी के बग़ैर हैं तो मज़हब का एक इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है वो आपको अपनी लाइफ आइडियोलॉजी या पर्पस ऑफ लाइफ प्रोवाइड करना होता है सो रिलीजन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन एज इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड एंड मॉरल वैल्यूज़ एंड ऑल्सो द आइडियाज़ अबाउट सेल्फ एंड अदर्स मज़हब एक इम्पॉर्टेंट रादर हम ये कहें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेटिव सोर्स ऑफ योर लाइफ आइडियोलॉजी होता है आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है आप पैदा हुए हैं और क्या आपके लिए ये समझना अस, समझना आसान है कि क्या इस लाइफ आइडियोलॉजी के तहत जो ज़िंदगी आप गुजारने जा रहे हैं इस ज़िंदगी का अल्टीमेट मकसद क्या है और इस मकसद को हासिल करने के लिए आपके लिए क्या मोटिव्स हैं और मज़हब जो है वो किस तरह से आपके इस मकसद को डिफरेंट प्रैक्टिस के थ्रू आपसे अचीव करवाना चाहता है सो अल्टीमेटली रिलीजन बिकम्स आ स्टैंडर्ड फॉर नॉट ओनली फॉर शेयर्ड वैल्यूज़ बट आल्सो फॉर योर मॉरल सिस्टम विच मीनस दैट राइट और रॉन्ग की जितनी भी डेफ़ीनीशन्स हैं ये आपको मज़हब प्रोवाइड करता है ये और बात है कि मज़हब और कल्चर जो हैं वो आपस में इस हद तक मिक्स हो जाते हैं कि हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि कौन सी वैल्यूज़ जो हैं वो हमें मज़हब की, की तरफ से मिल रही हैं या कौन से ऐसे अहकाम हैं जो मज़हब की तरफ से मिल रहे हैं और कौन से ऐसे डिज़ायरेबल स्टैंडर्ड्स हैं जिनके लिए माशरा हमें मजबूर करता है पाकिस्तान के अंदर जब हम देखते हैं तो रिलीजन माइट प्ले अ रोल इन शेपिंग आइडियाज़ अबाउट जेंडर रोल्स फैमिली वैल्यूज़ एंड सर्टन सोशल रिलेशनशिप्स सो इट गिव्स यू दो सोशल स्टैंडर्ड थ्रू विच नॉट ओनली यू कैन परफॉर्म योर पर्टिकुलर जेंडर रोल्स आप मेल हैं तो आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है आपका मजहब अगर आप फीमेल हैं तो आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है दोनों जेंडर्स के हवाले से उनकी मज़हब की जो एक्सपेक्टेशन हैं वो आपसे डिफरेंट होती हैं इसी तरह से फैमिली वैल्यूज़ के हवाले से भी मज़हब हमें बताता है आपकी आइडियोलोजी क्या होनी चाहिए माँ बाप का क्या रुतबा है औलाद की की तरबियत किस तरह से की जा सकती है अपने बहन भाइयों के साथ किस तरह के आप तलुकत रख सकते हैं और अपने अजीज़ वकारों व रिश्तेदारों से आपके रवाबित जो हैं वो किस नोयत के होने चाहिए दैन रिलीजन आल्सो प्रोवाइड्स सर्टन रिचुअल्स एंड प्रैक्टिस दैट हेल्प इंडिविजुअल टू कनेक्ट विद अदर्स एंड डेवलप आ सेंस ऑफ कम्यूनिटी तो मज़हब आपको जो है वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग और सेंस ऑफ कलेक्टिविटी भी प्रोवाइड करता है जैसे कि ज़कवा़त का निज़ाम है हज है तो ये इम्पॉटेंट प्रैक्टिस uh, हैं जिनकी बदौलत एक फ़र्द वाद जो है वो अपनी कम्यूनिटी या अपने माशरे के साथ जुड़ा रहता है रिलीजन कैन ऑल्सो इनफ्लेंस इंडिविजुअल एटीच्यूड्स एंड बिहेवियर्स रिलेटेड टू सोशल ईशूज़ सच एज़ चैरिटी एंड सोशल जस्टिस अब जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है ये बजात खुद मज़हब का दिया हुआ है और मज़हब के बग़ैर जस्टिस को इन इट्स सेल्फ़ डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि मजहब जब आपको राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन देता है तो उसी स्टैंडर्ड के ऊपर रह के हम जो है सोशल जस्टिस को अचीव कर पाते हैं अगर राइट और रॉन्ग की डेफिनेशंस या वो स्टैंडर्ड्स हमारे पास नहीं होंगे और अगर वो स्टैंडर्ड्स जो हैं वो रिलेटिव होंगे और एब्सोल्यूट नहीं होंगे तो भी प्रॉब्लमेटिक होते हैं क्योंकि जैसे जैसे कॉन्टेक्स बदलता जा, जाता है उसी तरह से सोशल जस्टिस की डेफ़िनेशन भी बदलती जाती है तो इना नेचुरल मज़हब आपको ना सिर्फ आपकी लाइफ आइडियोलॉजी प्रोवाइड करता है यानी जीने का एक मकसद प्रोवाइड करता है बल्कि आपको ये भी बताता है कि उस मकसद को आप किस तरह से अचीव कर सकते हैं